जय श्री कल की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2025 को लेकर सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपनी भविष्यवाणियों को लेकर सोशल मीडिया में जब अपलोड कर रहे हैं अपने वीडियोस, तब उन बातों में किसके ऊपर यकीन करें और किसके ऊपर नहीं, आज इंसान बुरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया है। 2025 को लेकर किसी ने कहा कलयुग का एंड, किसी ने कह दिया सत्ययुग का आगमन, किसी ने कहा महाविनाश ऐसा कि इंसान घर से बाहर निकलने में डरेगा, तो किसी ने कह दी बात तृतीय विश्व युद्ध की, यानी एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल होगा और दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी कड़ी में एक और भविष्यवाणी जो की जा रही है 2025 को लेकर, वो है पूरी दुनिया हो जाएगी ठप, कारण इंटरनेट हो जाएगा बंद। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या है इसका लॉजिक? क्यों लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेट ठप हो जाएगा? आज इंटरनेट पर ही पूरी दुनिया का कामकाज टिका हुआ है। अगर सर्वर डाउन आधे घंटे के लिए भी होता है, जब रिसेंटली माइक्रोटेक का एक सर्वर डाउन हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट का जब सर्वर डाउन हुआ था, तब उस माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, क्योंकि लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं, इंटरनेट नहीं, लोग मैन्युअली वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट आती है वो सब निकाल के ले नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, जांच कर नहीं पा रहे हैं, यानी हर जगह देखा गया कि माइक्रोसॉफ्ट का जब सर्वर डाउन हुआ तो उस समय पूरी दुनिया किस तरह से कुछ समय के लिए ही सही रुक सी गई, चैनल्स पर न्यूज़ आने बंद हो गए, यानी पूरी दुनिया में यूँ कहिए एक जो भागती हुई दुनिया है उसमें ब्रेक लग गया। अब इसी कड़ी में जो लोग कह रहे हैं कि 2025 में फिर से एक बार कुछ इसी तरह के हालात बनेंगे, लेकिन भयंकर रूप से, और पूरी दुनिया से इंटरनेट का खात्मा हो जाएगा। केवल उसी वर्ष में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से इंटरनेट का ही खात्मा। तो अगर इंटरनेट का खात्मा, तो इसका मतलब कि दुनिया के सारे कामकाज ठप, और हम लोग पहुँच जाएंगे 90s के ज़माने में, जबकि इंटरनेट का कुछ था ही नहीं, सब लोग मैन्युअली वर्क करते थे। तो क्या ये 2025 में ऐसी होने की संभावनाएं हैं? साइंटिस्ट ने अलर्ट दिया है, 2025 को लेकर नहीं, 26 को लेकर भी नहीं, लेकिन आने वाले समय को लेकर, इस डिकेड में या नेक्स्ट डिकेड में कभी भी, चूंकि सोलार स्टॉर्म अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, सोलार एक्सट्रीम का ये पीरियड चल रहा है जो 12 सालों के चक्कर के बाद कंप्लीट होता है, तो सोलार एक्सट्रीम का ये जो पीरियड चल रहा है, अभी भी सोलार एक्सट्रीम अपने हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन रिसेंटली सन में बहुत सारे स्पॉट्स देखे गए जो कि काफ़ी सालों पहले देखे गए थे, लेकिन अचानक से 2024 में ही 2-3 बार ऐसे मौके आए हैं जबकि सोलार स्टॉर्म देखे गए, सन स्पॉट्स देखे गए, ऐसा लगा कि सूरज टुकड़ों में बट गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो साइंटिस्ट भी उसे देखकर न सिर्फ चौंके, बल्कि अपनी रिसर्च वर्क के द्वारा लोगों को यही मैसेज दिया कि अगर ये सोलार स्टॉर्म भयंकर रूप धारण कर ले तो डेफिनेटली उससे सैटेलाइट डैमेज हो सकती है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डैमेज होगा, जब सैटेलाइट डैमेज हो जाएगी, तो डेफिनेटली इंटरनेट भी नहीं चलेगा। लेकिन ये क्या केवल और केवल 2025 में या 2025 में ही होगा? नहीं, अभी उसमें होने में टाइम है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, दुनिया महाविनाश की ओर बढ़ रही है। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा कि सिर्फ 64 करोड़ लोग बच गए, सारी दुनिया खत्म, जलमग्न को लेकर भी बात की जा रही है कि जो समुद्र किनारे
चूंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है? ग्लेशियर्स बहुत धड़ल्ले के साथ पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती चली जा रही, तो साइंटिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी और ग्लेशियर्स के पिघलने को लेकर भी अलर्ट ऑलरेडी दे दिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के एस्ट्रॉइड धरती टकराएगा, एक बहुत बड़ा, और धरती पर सब कुछ तबाह होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी उसमें टाइम है। तो बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखने वाले साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि सोलार स्टॉर्म आएगा और वो भयानक रूप लेगा। सोलार स्टॉर्म के कारण धरती पर महातबाही मचेगी, कारण जो अंधेरा छाएगा 7 दिनों का, जो भविष्य मालिका में भी लिखा गया है, वो उसी कारण होगा। लेकिन वो इतनी जल्दी होगा और इंटरनेट भी इतनी जल्दी टाटा बाय बाय कर देंगे? नहीं, लेकिन शुरुआत उसकी हुई है। यानी 0 से आप समझिए कि आप 1 की ओर बढ़ रहे हैं, पूरा 1 भी नहीं पहुंचे हैं, पॉइंट में भी चल रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, यानी बिल्कुल ये सब पहले नहीं होता था। तो अभी समझिए आपने विनाश की पहली सीढ़ी, यानी इंटरनेट खात्मे की पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा है। तो ये कैसे हो रहा है? आप देखिए, कहीं युद्ध ज़्यादा तो अलर्ट देने के लिए, या कहीं कोई नेगेटिव मैसेज स्प्रेड ना कर दे व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए सोशल मीडिया पर, इसलिए इंटरनेट को बंद कर दिया जा रहा है। तो ये मैसेज है कि आने वाले समय की तैयारी चल रही है। दूसरा, रिसेंटली जो सन स्पॉट्स देखे गए, कुछ एक स्पॉट्स इतने बड़े जो धरती के साइज से भी बड़े थे, उसको लेकर भी अलर्ट दे दिया गया। तो ये जो बातें हैं, होगा इंटरनेट पूरी तरह से खत्म होगा, हम लोग वैदिक काल की ओर जा रहे हैं, लेकिन वैदिक काल की ओर जब कलयुग परंपराओं को खत्म करके वैदिक परंपराओं को हम जब लेंगे, एक्सेप्ट करें, करना ही है, तो लोग जब सनातन की ओर बढ़ रहे हैं, तो एकाएक ये सब कुछ नहीं होगा। द्वारका नगरी भी डूब गई, श्री कृष्ण भगवान साक्षात खड़े हैं, लेकिन उनके ही सामने जब द्वारका नगरी डूब जाती है, राम सेतु वो भी समुद्र के अंदर समा गया। तो दुनिया तो खत्म होने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2025 को ही लेकर मत बैठ जाइए, और डरिए मत कि 2025 में ही सब कुछ खत्म, जैसा लोग कह रहे हैं, उसके आगे भी दुनिया चलेगी, महाविनाश होगा। उस टाइम को लोग देखेंगे जो 2025 से महाविनाश की शुरुआत होगी, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। कोरोना का हाल पहले किसी ने नहीं देखा था, खुद को सैनिटाइज करना किसी को पहले नहीं आता था, लेकिन अब इंसान अपने विचारों में, यदि विचारों को सैनिटाइज कर ले, तो शरीर से ज़्यादा वो अंदर से भी ज़्यादा प्योर हो जाएगा। क्योंकि विचारों में अगर गंदगी नहीं रहेगी, तो इंसान वैसे ही पवित्र हो जाएगा। तो दुनिया में जो पाप कर्म चल रहे हैं, वो नहीं चलेंगे, तो दुनिया वैसे भी एक अच्छी राह पकड़ेगी, और यही भगवान कल्कि चाहते हैं। तो 2025 में ये समझिए कि जो महातबाही आ रही है, वो 2025 में आकर ही पूरी तरह से बैंड नहीं बजाएगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट भी चलेगा, व्हाट्सएप भी चलेगा, सोशल मीडिया पर भी लोग रहेंगे, क्योंकि अगर इंटरनेट खत्म तो सोशल मीडिया ख़त्म, और सोशल मीडिया ख़त्म तो वीडियोस कहाँ से आएंगे, लोगों को जानकारी कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे चलेगी, तो यानी दुनिया के पूरे समाचार खत्म हो जाएंगे, तो युद्ध का समाचार कैसे मिलेगा, कहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी अलर्ट्स कैसे मिलेगा, तो लोग क्या घर घर जाकर बताएंगे? नहीं, लॉजिकली इस बात को समझिए जो मैंने अपने वीडियो में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।